आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए। तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सरकारी न्यूज चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, पूरे देश में लॉकडाउन का 5वां चरण चल रहा है और इसमें कई बड़ी छूटें भी सरकार दे रही है, जिसके चलते पूरे देश में एक बार फिर से काम धंधा शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों एक बार फिर कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। जी हाँ, पिछले एक हफ्ते के दौरान ही लगभग 70 से 80 हजार नए कोरोना के मरीज मिले हैं। इस बात से दोस्तों यहाँ पर एक बहुत ही बड़ी आशंका गंभीर होती जा रही है कि क्या एक बार फिर पूरे देश में पहले जैसा लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों अभी सरकार की ओर से आ रही है ये बड़ी जानकारी, क्या 15 जून से फिर लागू होने जा रहा है पहले जैसा लॉकडाउन, जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। साथ ही दोस्तों इस राज्य में फिर बढ़ेगा लॉकडाउन, मुख्यमंत्री ने किया है ये बड़ा ऐलान, नहीं थम रहा है कोरोना का प्रकोप, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा दोस्तों सभी किसान भाइयों, मजदूरों, कामगारों और गरीब भाइयों सहित सभी महिलाओं के लिए भी काफी जरूरी खबरें हैं, जिन्हें आपको जरूर जान लेना चाहिए। साथ ही दोस्तों आज से रेलवे ने नियमों में किया ये बड़ा बदलाव, जान ले वरना नहीं कर पाएंगे यात्रा और टिकट भी हो जाएगी कैंसिल। तो दोस्तों कौन कौन से हैं वो नए नियम, जानेंगे आगे वीडियो में। इसके अलावा दोस्तों अगर आप भी हैं 5वीं या फिर 8वीं पास, तो सरकार ने यहाँ निकाल दी है नई और बम्पर भर्तियाँ, बिना किसी परीक्षा सीधे की जाएगी भर्ती, 22,000 रुपया महीना मिलेगा वेतन। तो दोस्तों पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। इसके अलावा अगर आपके पास भी है आधार कार्ड, राशन कार्ड और पैन कार्ड, तो आज से लागू हो गए हैं ये नए नियम, जान लीजिए वरना रद्द हो सकते हैं पैन कार्ड और नहीं मिल पाएगी राशन। इसके अलावा दोस्तों मोदी सरकार कोरोना बीमारी के कारण सभी को दे रही है 4,000 रुपए, जिनके पास है ये वाले कागज सिर्फ उन्हें ही मिलेगा लाभ, पूरी खबर जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए। साथ ही साथ दोस्तों बच्चों के स्कूल और कॉलेज को खोलने को लेकर भी सरकार ने आज कुछ नए नियम लागू कर दिए हैं, जिन्हें आपको जरूर जान लेना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों फ्री राशन और फ्री गैस सिलेंडर मिलने के साथ साथ जनधन खाता धारकों को 3 महीनों में मिलने वाले 1,500 रुपए को लेकर भी बड़ी खबरें हैं। साथ ही शराब, पान मसाला और गुटखा को लेकर भी काफी जरूरी खबरें निकल कर आ रही हैं, जिन्हें आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। लेकिन दोस्तों इन सभी खबरों को जानने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत मेहनत लगती है, तो आप एक छोटा सा लाइक जरूर करिएगा। वही दोस्तों अगली खबर, क्या 15 जून से देश भर में फिर लागू होगा पूर्ण लॉकडाउन, भारत में कोरोना मरीजों की संख्या 3 लाख के पहुंची करीब। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें जिस प्रकार से कोरोना के मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, उस प्रकार से क्या एक बार फिर से पूरे देश में पहले जैसा ही लॉकडाउन लागू किया जा सकता है। दोस्तों भारत में अब तक कुल कोरोना मरीजों की संख्या 2,80,000 तक पहुंच गई है और ये संख्या दिन ब दिन लगातार बढ़ती ही जा रही है, और वो भी कुछ कम नहीं, रोजाना 10,000 नए मरीज सामने आ रहे हैं। और दोस्तों ये सब हो रहा है 1 जून से दी जाने वाली छूटों के बाद में। हालांकि दोस्तों छूट दिया जाना जरूरी भी था, क्योंकि जनता के सामने खाने पीने के लाले पड़ रहे थे। इसी वजह से भारत सरकार की ओर से लॉकडाउन में कई बड़ी छूटें दी गई हैं, जिससे पूरे देश में काम धंधा फिर से शुरू हो रहा है। लेकिन दोस्तों इसके पीछे कोरोना के मरीजों की संख्या भी दिन ब दिन लगातार बढ़ती जा रही है, जो कि काफी ज्यादा चिंता का विषय है। ऐसे में क्या एक बार फिर से पूरे देश में लॉकडाउन को लागू किया जाएगा, इसको लेकर यहाँ पर बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दिया जाए, पिछले कुछ ही दिनों से सोशल मीडिया पर एक खबर वायरल हो रही थी कि 15 जून से पूरे देश में एक बार फिर से पहले जैसा ही लॉकडाउन लागू किया जाएगा। लेकिन दोस्तों आपको बता दिया जाए, इस खबर को लेकर भारत सरकार की ओर से अभी अभी बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आई है। जी हाँ, आपको बता दिया जाए, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि PIB फैक्ट चेक की ओर से इस खबर को पूरी तरीके से गलत बताया गया है और भ्रामक बताया गया है। दोस्तों बता दिया जाए, 15 जून से क्या देश में फिर लॉकडाउन लागू होगा, इसको लेकर भारत सरकार की ओर से इस खबर को पूरी तरह से गलत साबित किया गया है। लेकिन दोस्तों जिस प्रकार से कोरोना के लगातार मरीजों की संख्या बढ़ रही है, क्या एक बार फिर से पूरे भारत में लॉकडाउन को लागू किया जाना चाहिए या फिर नहीं, आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।
वहीं दोस्तों अगली खबर, यहां निकली बंपर सरकारी नौकरियां, 56,000 तक मिलेगा वेतन, नहीं देनी होगी कोई परीक्षा, सीधे कर लिया जाएगा भर्ती। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, अगर आप 5वीं पास हैं, 8वीं पास हैं, तो आपके लिए यहां पर बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। दोस्तों बता दिया जाए, फॉरेस्ट रेंजर और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के पदों पर बंपर भर्तियां निकाल दी गई हैं। यहां पर आपको बता दिया जाए, छत्तीसगढ़ में ये नई भर्तियां निकाली गई हैं, जिसमें कोई भी 5वीं या फिर 8वीं पास अभ्यर्थी आवेदन कर सकता है और भर्ती होकर देश की सेवा कर सकता है। साथ ही साथ दोस्तों बता दिया जाए, इस नौकरी के लिए आपको महीने का 56,000 रुपया तक का भी वेतन मिल सकता है। तो दोस्तों इनमें कुल पदों की संख्या 180 के करीब रखी गई है, जिसमें फॉरेस्ट रेंजर के 157 पद हैं और असिस्टेंट फॉरेस्ट गार्ड के 21 पद रखे गए हैं। इसके लिए दोस्तों उम्र सीमा 18 से लेकर 40 साल रखी गई है, यानी कि अगर आपकी उम्र 18 से लेकर 40 साल के बीच में है तो आप इस सरकारी नौकरी में भर्ती हो सकते हैं और महीने का करीब 56,000 रुपए तक का वेतन भी पा सकते हैं। दोस्तों बता दिया जाए, इसकी अंतिम तारीख 15 जुलाई 2020 रखी गई है। इसके अलावा दोस्तों अगर आप एक गरीब हैं, मजदूर हैं, किसान हैं या फिर आप एक आम नागरिक हैं, तो आपके लिए यहां पर बहुत ही जरूरी और काम की खबरें निकल कर आ रही हैं। साथ ही साथ अगर आप एक महिला हैं, तो आपको भी इन खबरों को जानना बहुत जरूरी है, वरना आपका इस लॉकडाउन के दौरान भारी भरकम नुकसान हो सकता है। वहीं दोस्तों अगली खबर, किसानों के लिए मोदी सरकार का बड़ा ऐलान, अब सभी किसानों को मिलेंगे फ्री में सोलर पंप, जानिए क्या है नियम, कैसे आप भी उठा सकते हैं लाभ। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, मोदी सरकार की ओर से सभी किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी गई है, अब सभी किसानों को मुफ्त में सोलर पंप दिए जाएंगे। तो आप भी कैसे सोलर पंप फ्री में पा सकते हैं, क्या कागज लगेंगे, क्या पूरे नियम रहेंगे, इसकी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा और आखिर तक जरूर देखते रहिए। दोस्तों बता दें, सरकार ने किसानों के लिए खास स्कीम की शुरुआत की है, इस स्कीम का नाम है कुसुम। जी हां, कुसुम योजना के तहत सभी किसानों को अब मुफ्त में सोलर पंप दिए जाएंगे। इस सोलर पंप का इस्तेमाल आप बिजली का उत्पादन करने के लिए कर सकते हैं, आप अपने घर को रोशन कर सकते हैं या फिर आप अपनी बंजर पड़ी जमीन की सिंचाई कर सकते हैं, ट्यूबवेल का चला सकते हैं तथा भूमि पर सौर ऊर्जा उत्पादन कर सकते हैं, जिसके चलते सभी किसानों को बड़ा लाभ मिलेगा। ये योजना अगले आने वाले 1 से 1.5 महीने में शुरू होने जा रही है। तो अगर आपको भी मुफ्त में सरकार के द्वारा दिया जाने वाला सोलर पंप चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें कि हाँ, हमें भी सोलर पंप की आवश्यकता है, हमें भी दिया जाए। वहीं दोस्तों अगली खबर, आज से सस्ती हो जाएगी शराब, अब नहीं लगेगा कोरोना टैक्स। जी हाँ, दरअसल दोस्तों बता दें, अब सभी शराब प्रेमियों के लिए बहुत ही बड़ी और अच्छी खबर निकल कर आ रही है। आपको बता दिया जाए कि अब शराब पर कोरोना टैक्स नहीं लगाया जाएगा, पूरी तरीके से हटा दिया जाएगा, जिसके चलते शराब के दामों में अब काफी ज्यादा गिरावट आ जाएगी। दोस्तों बता दिया जाए, कोरोना संकट के चलते दिल्ली सरकार की ओर से शराब पर कोरोना टैक्स लगाया गया था। इस कोरोना टैक्स की वजह से शराब 70% महंगी हो गई, जिसके चलते शराब प्रेमियों के लिए इसका सेवन करना काफी दुर्लभ हो गया था। हालांकि दोस्तों बता दें कि अब दिल्ली सरकार ने शराब से कोरोना टैक्स को हटा लिया है और फिर से शराब अपने पिछले दामों पर आ गई है, यानी कि सस्ती हो गई है। वही दोस्तों अगली खबर, सरकार ने आज से लागू कर दिया ये नए नियम, अगर घर में है दुपहिया वाहन, चार पहिया वाहन या फिर एक सामान्य से साइकिल, तो जान ले ये नियम, वरना बाद में पड़ेगा पछताना। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, भारत सरकार की ओर से आज कुछ नए नियम आपके वाहनों को लेकर लागू कर दिए गए हैं। दरअसल बता दें, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की ओर से नए नियम लागू करते हुए बताया गया है कि पिछले लगभग 2 महीनों से पूरे देश में लॉकडाउन लागू था, जिसके चलते गाड़ियों के मालिक जिनके पास दोपहिया वाहन है, चार पहिया वाहन है या फिर उससे भी बड़े वाहन है, वो अपने ड्राइविंग लाइसेंस या फिर ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट यानी कि जो गाड़ी के कागजात होते हैं, उनको रिन्यू नहीं करवा पा रहे थे, क्योंकि पूरे देश में तो लॉकडाउन लागू था। लेकिन दोस्तों अब भारत सरकार ने यहां पर इन ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी के सभी कागजात की मान्यता को अगले 4 महीनों तक के लिए बढ़ा दिया है, यानी कि अगर आपके ड्राइविंग लाइसेंस की समय सीमा जल्द ही खत्म होने वाली है, तो अब आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भारत सरकार ने 4 महीने और आपके गाड़ियों के कागजात की मान्यता को बढ़ा दिया है। वही दोस्तों अगली खबर, बच्चों के स्कूल और कॉलेज को लेकर आई बड़ी खबर, 3 महीने बाद खुलेंगे स्कूल और कॉलेज, लेकिन केवल इतने ही घंटे होगी पढ़ाई। जी हां, दरअसल दोस्तों बता दें, कोरोना संकट के चलते पूरे देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन लागू था, अब यहां पर कुछ छूटे दिए जाने के बाद में
एक बार फिर से भारत सरकार ने स्कूल और कॉलेजों के खोलने को लेकर बड़ा ऐलान कर दिया है। भारत सरकार की ओर से बताया गया है कि अगस्त तक बच्चों के स्कूल और कॉलेज फिर से खोल दिए जाएंगे, लेकिन पहले जैसी पढ़ाई नहीं हो पाएगी। जी हां, एचआरडी मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक की ओर से बड़ी जानकारी देते हुए कहा गया है कि बच्चों की पढ़ाई के टाइमिंग में कटौती की जाएगी, साथ ही साथ उनके पाठ्यक्रम में भी कटौती की जाएगी। इसके अलावा दोस्तों, आप बच्चों को कमरों में पढ़ाने की बजाय किसी खुली जगह में जैसे कि मैदान या फिर ग्राउंड में बैठाकर पढ़ाया जाएगा, ताकि बच्चों के बीच में सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करवाया जा सके और कोरोना के भी फैलने से रोका जा सके। तो दोस्तों, ये थी आज दिन भर की ताजा खबरें। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आई होंगी। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी कर लें। साथ में वीडियो पसंद आई है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा।